कुछ चेहरे जाने पहचाने मुझे भी लग रहे हैं। जो आज का विषय है, जो मैं महसूस कर रहा हूं यहां बैठकर, तो मुझे एक पंक्ति याद आती है जो बचपन में पिताजी के मुंह से सुना करता था, गुरु परंपरा आदि परंपरा। सर्वशक्तिमान श्री कृष्ण जी, श्री राम जी कुछ कमी नहीं थी, लेकिन उनको भी गुरु की आवश्यकता। ये बात अलग है कि गुरु को एक्सेप्ट करने से पहले, रियलाइज करने से पहले आप जाने पहचाने। जैसे कि पूर्व वक्ता ने कहा कि आप महसूस करेंगे, अपने में चेंज महसूस करेंगे। तो बिंग ए मैथमेटिशियन, एक गणित का अध्यापक होने के नाते, हमारा एक बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि जो चीज संभव नहीं है उसको हम मान लेते हैं, और अगर वो सच्चा है तो संभव हो जाता है। दो ही बात होती है। वो हिंदी फिल्म में सुने हैं ना, पल भर के लिए कोई मुझे प्यार कर ले, झूठा ही सही। क्या पुराने गायक गीतकार क्या लिखते थे, इसमें भी गणित छुपा हुआ है। इंसान गलतियों का कठपुतली है, कोई परफेक्ट नहीं है। अगर कोई कहे कि पहले परफेक्ट हो जाओ तब हमारे पास आना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए वो गीतकार ने समाज को एक मैसेज दिया कि अगर किसी का प्यारा बनना है तो पल भर के लिए कोई मुझे प्यार कर, झूठा ही सही। महसूस कर रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? बेशक आपके अंदर कितनी भी बुराई हो किसी के प्रति, जब तक फिजिकली प्रैक्टिकली वो हार्म ना करे तब तक आप उसे प्यार ही कीजिए। क्या पता सही हो जाए। क्लियर है? तो ये तो आम आदमियों के लिए बोला गया है, ये तो फिल्मी डायलॉग है। और फिर इसके बाद है, आखिर उसे आना है, थोड़ी देर लगेगी। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है कि आप सच्चे हैं तो माता पिता भी आपको नहीं छोड़ते। अगर माता पिता है वो आपको नहीं छोड़ेंगे। अगर आप सच्चे हैं भाई नहीं छोड़ेगा, गलत को भी एक्सेप्ट करते हैं। तो ये एक कॉन्फिडेंस लेवल है कि आखिर उसे आना है, थोड़ी देर लगेगी। ये दो बातें आज के युवा पीढ़ी को मैंने उनके तरीके से समझाने की कोशिश किया। अब हम आते हैं एक्चुअल विषय, जो कंसंट्रेशन है, जो योग है, जो साधना है, जो व्यवहार है, जो संस्कार है। आज का समाज इतने तरीके से संकुचित है कि इसमें से ठीक बच के निकलना चक्रव्यूह भेदने के बराबर है। और जो दिया कार्यक्रम के अंतर्गत जो बाल संस्करण का कार्य चल रहा, बाल संस्कार का, जो मैंने देखा पढ़ाते हुए लाचार और मजबूर बच्चों को, तो मेरा आत्मा पसीज गया। अचानक ही ब्रेक लगी मेरे का, और मैंने संचल जी से बुला के पूछा कि आप बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं, मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताएं। तब तक हमारी कोई जान पहचान। तो अगर आप
समाज में किसी को भी ज्ञान दे पाने में संभव है, संभव होते हैं, संभव करते हैं इस चीज को। यह केवल इस हॉल से नहीं संभव है, यह तो 24/7 प्रोसेस है। आपको दिमाग गोद लेना पड़ेगा, दिमाग पकड़ते रहिए, जहां मिल जाए दिमाग, अकल की एक छोटी सी पुड़िया उसको खिला दीजिए, जहां मिल जाए। जब आतंकवादी अपनी गतिविधि नहीं रोकते तो हम अपनी गतिविधि क्यों रोकें? वो अगर जहर दिमाग में घोल रहे हैं तो हम अमृत क्यों ना घोलें? संख्या आतंकवादी की ज्यादा है या संख्या हम लोगों की ज्यादा है? ऑफ कोर्स हम लोगों की ज्यादा है। तो हम लोग जिस दिन उस डेडिकेशन से, जिस डेडिकेशन से आतंकवादी समाज को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, उसी डेडिकेशन से जिस दिन हम लोगों ने समाज को सुधारने का कार्य किया, वो सब रफू चक्कर हो जाएंगे, कोई नजर नहीं आएगा। तो केवल इस हॉल से ये संभव, यहां की गोष्ठी से संभव नहीं है, जो मैं महसूस करता हूं। और बाल संस्कार कार्यशाला जो चलती है, इसके विषय में मैं एक ही चीज कहूंगा कि अगर हमने एक को एजुकेट कर दिया तो एक बैड एलिमेंट समाज से खत्म कर दिया। एक को एजुकेट करने का मतलब एक नेगेटिव एलिमेंट को, जो समाज के लिए गलत साबित होगा फ्यूचर में, उसको खत्म कर दिया। तो इसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है, इसमें लग जाना चाहिए सर। बहुत अच्छा कार्य है ये। तो जो हमारे दिलो दिमाग में थी प्रैक्टिकली, वो बातें मैंने किया। अब कुछ मैं इमेजिनरी बातें करता हूं आपसे, शायद आपको पसंद आए। मैं गणित प्रेमी हूं, गणित के लिए जीता हूं, गणित के लिए मरूंगा, और गणित सबके भीतर है, मैं ऐसा महसूस करता हूं। इसलिए ऑफ कोर्स कोई कुछ भी समझे, मैं गणित के तरफ आकर्षित करता हूं। गणित कितना व्यवहारिक है, मैं कुछ एग्जांपल से आपको साबित करके दिखाता हूं, और गणित का फायदा क्या क्या है वो भी मैं साबित करके दिखाता हूं, आपको बड़ा अच्छा। बिंदु की परिभाषा है कि बिंदु, बचपन में कहा जाता था कि जिसमें ना लंबाई हो, ना चौड़ाई हो, ना ऊंचाई हो, ना मोटाई हो, कुछ भी ना हो, डायमेंशन लेस, दैट इज पॉइंट, वो बिंदु कहलाता है। फिर इस परिभाषा को बदल दिया गया, जैसे आप लोग बड़े हुए, हम सब बड़े हुए, तो परिभाषा को बदल दिया गया कि बिंदु इमेजिनरी है, जितनी छोटी सी छोटी चीजें कल्पना कर सको वो बिंदु है, बहुत छोटी सी। कहीं पे ध्यान एकत्रित करो, अपने को एकत्रित करते करते, जैसे ये आपके सामने जो ये ओम का है, है ओम पूरा ब्रह्मांड को चलाता है, और जब ध्यान एकत्रित करेंगे तो ओम एक पॉइंट नजर आएगा, महसूस कर रहे हैं आप। और वो तारे जिसमें हजारों धरती समा जाएगी, ऐसे खगोल शास्त्री कहते हैं, सही बात है गलत बात है? सही है, लेकिन वो यहां से बिंदु नजर आता है। कारण क्या है? एक ही कारण है कि डिस्टेंस है। डिस्टेंस इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि वो हमारे लिए साइज में, आकार में इफेक्टलेस है, हमारे ऊपर, हमारे आंखों के ऊपर उसका कोई अधिकार नहीं रह जाता। हमारी मर्जी है तो तारा को ढूंढेंगे, तारा नहीं आएगा हमारे सामने कि देखो मुझे। सहमत है? अब देखिए, प्रैक्टिकल लाइफ में अगर कोई आपको टेंशन बहुत ज्यादा दे रहा है,
वो आपके लिए समस्या बड़ी है, उसका साइज बड़ा है. मेंटेन अ रिस्पेक्टेड डिस्टेंस एंड मेक देम पॉइंट. बिंदु बना दीजिए उसे, वो नहीं भाग सकता, हमारे तो हाथ पैर है. ये गणित सिखाता है. जब हमारी बेटियों को बाजार में कोई गलत नजर से देखता है, व्यवहार गलत होता है, तो वो संस्कारित भाषा में, बड़ी सालीन भाषा में वो बेटियां आके परिवार में बोलती है, मॉम हिज एंगल वॉज नॉट गुड. ये एंगल क्या है, कहां का ये शब्द है, गणित का ही तो है. और समझ में सबको आ गया कि वो बेटी कहना क्या चाह रही है. उनके भाई फिर एक्शन लेते हैं, गणित कहां है. चौक चौराहे पे मैंने सुना है, अगर किसी से लड़ाई हो गई तो कहता है स्ट्रेट बात क्यों नहीं करता तू, कम टू द पॉइंट. ये स्ट्रेट क्या है, पॉइंट क्या है, मुझे बताए. गणित ही तो है. तो गणित व्यवहार में, और इसमें से ऐसा हो नहीं सकता जिस तरीके का एज और जैसे चेहरे पे आपकी तेज दिख रही है कि आप तैयारी ना करते होंगे. तैयारी तो जरूर करते होंगे गवर्नमेंट जॉब की, चूंकि पूजा पाठ योग साधना गुरु के शरण से आत्मिक शांति तो बहुत मिलती है, जो कि जीवन का लक्ष्य होता है. लेकिन इस शांति को और अच्छे से बरकरार करने के लिए, इस शांति को शांतिपूर्ण ढंग से पाने के लिए अर्थ की आवश्यकता होती है, धन की आवश्यकता होती है. उसके बिना नहीं हो सकता. यह शांति अगर आत्मा है तो जो भौतिक शांति है वो शरीर है. आत्मा बिना शरीर का भटकता रहता है. लोग कहते हैं कि भूत प्रेत है, और तांत्रिक बुला के उसको पेड़ में ठुकवा दिया जाता है, कील से भ्रम मिटा दिया जाता है, होता कुछ और ही है. और शरीर है तो उस आत्मा का औचित्य है. धन है, रोजगार है, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग है, तो आप शांति और आत्मा की बात ज्यादा बेहतर कर पाएंगे. आप देखते होंगे कि किसी भी सभा में नियमित कमाने वाले जिनकी रोजगार है वो बेहतर बात करते होंगे कहीं पर. जिनके पास रोजगार नहीं है वो उतनी बेहतर बात नहीं करते होंगे. सुनने की कोशिश करेंगे कि मैं ध्यान से सुनूं, लेकिन कहीं ना कहीं भटकाव होता है मन में. तो दोनों चीजें पैरेलल चलती होगी, और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग पैरेलल चलाते होंगे. तो गणित जो विषय है उससे मैं अब आपको धीरे 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 अध्यात्म की तरफ लेके आता हूं कि गणित है क्या. पहले तो मैं आपको ये समझा दूं कि सोच समझ और व्यवहार का गणित बिगड़ गया तो फिर उसका गणित कभी नहीं सुधरेगा. और एक कॉन्फिडेंस लेवल अगर आप में रहेगा तो ये कभी नहीं बिगड़ेगा. अपने गुरु के शरण में, अपने अग्रज के शरण में, अपने गाइड के संपर्क से अगर आपने कुछ सीखा, कुछ महसूस किया, अपने पास रखा और उस पर अमल किया तो कभी बिगड़ने वाला नहीं है, बिल्कुल नहीं बिगड़ेगा.
डिपेंड ये करता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। सपोज कीजिए कि कंसंट्रेशन कैसे आता है, आप मुझे बताइए, कभी सोचा है प्रैक्टिकली, व्यवहारिक रूप से कभी सोचा है कि कंसंट्रेशन कैसे आता है? मैं एक एग्जांपल देता हूं, अभी यहां से निकलते वक्त कर लीजिएगा, अगर आप सीढ़ी पे तेजी से उतरेंगे, जितना मैक्सिमम तेजी है, मन बना लिया कि तेजी से उतरेंगे, तो आपके पैर पे ही आपकी नजर पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। आप अगर किसी पे गुस्सा हो रहे हैं और उसे तमाचा मारना है, तमाचा हमेशा तेजी से मारा जाता है, याद रखिएगा, तमाचा धीरे से नहीं मारा जाता और हंस के नहीं मारा जाता। कभी करके देखिए, कभी हंस के तमाचा मारने की कोशिश कीजिएगा, नहीं मार पाइएगा, यही तो कॉन्सेप्ट है। देखिए, आप महसूस कीजिए बैठे बैठे, शक्ति विहीन हो जाता है। तो खुशी किस चीज का पर्याय है? शांति की, समृद्धि की। आप महसूस करके देखिए, महसूस कीजिए, हंसिए, जबरदस्ती ही हंसिए और फिर मारने की कोशिश कीजिए, नहीं आएगी हाथों में शक्ति। और कंसंट्रेशन दोनों चीजों में होती है, मैं दोनों एग्जांपल दिया, बैड थिंग एंड गुड थिंग। अगर तमाचा मारना है यहां पे, यहां देखेंगे, फिर जोर से लगाएंगे, ऐसा नहीं कि देखेंगे इधर मारेंगे, इधर निशाना नहीं बैठेगा। तो कंसंट्रेशन मैं आज आपको समझा दूं, फिर 8 दिन बाद आप बताइएगा। कंसंट्रेशन अगर आपका नहीं है तो जो काम आप बेहतर कर पाते हैं उसी को 15 दिन स्पीड में कीजिए, आपका कंसंट्रेशन डेवलप हो जाएगा। मैंने बेहतर शब्द का यूज किया। अरे 2 का टेबल आता है, 3 का टेबल आता है, बचपन में कोई कविता याद है उसी को 5 बार आप पढ़िए, कंसंट्रेशन से आपको अच्छा फील होगा। और एक चीज मैं और बताऊंगा।